परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं जो यहाँ यज्ञ होता है और यहाँ पर ये जल रखते हैं। एक सिंपल जल होता है यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है, मंत्र करते हैं, ये वाणी चलती है, मंत्र है भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं। गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है, और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है। तो पुण्यात्माओं, जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृत वाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदा बार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहाँ कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियाँ बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहाँ जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांध आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांध बुदबू दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध दुर्गंध। इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1,00,000 योजन लगभग 12,00,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा और यहां से चलने की तैयारी करोगे, अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं। मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावे। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ना कर दया करिए अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाई। अपने आत्माओं, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। अपने आत्माओं,
अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो, सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता तो का ध्यान लगाता हूं, आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है, साकार, और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है वो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे और दिखत के तय नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान धर्म के अंदर एक फक्कड़ फकीर हुए हैं। बचपन से उसकी श्रद्धा भगवान में थी। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को यह सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष्य बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशहाल, बेखों के लश्कर फिरें ये वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर। फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली, और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है, रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी भाई बहन बुजुर्ग जो भी है जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। आप ही में से पारण का नंबर आओगे, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं, और कोई जो पाली जाता है गधा पबारी लेता है बैठ कर सवारी करता है स्कूल नहीं जाता है तो वो पास नहीं होते। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहाँ सीधी टिकट सतलोक की मिलती है, तो अब आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा रखे रहे, कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है मैं भी करता हूँ। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स।
किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने ग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण राध्य राध्य श्याम मिला दे ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः एवं नमः, ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे हैं। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी दया नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदनदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका सिमरन करता हुआ छोड़ कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्म लोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी दया नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4th अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2nd अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दह के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी, और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है उसको प्राप्ति का। ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का सर्वपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का, इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की, हमने अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या बालकों का खेल बना रखे हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराणों में भी पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है, चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, 5 वेद किए थे, सूक्ष्म वेद भी जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा इसने नष्ट कर दिया फिर, और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया, इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकल आए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है, कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया, 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है। वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए,
ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा यु है कि क्या कहानी है, तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। किन्होंने? अन्य ऋषियों ने। तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में इस ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन। गीता जी जो श्रीमद् भगवद गीता, ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है। गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़ के बाकी सब वेद ज्ञान है। अपनात्मा वेद जो है ये परमात्मा का विधान है, आदेश है, संविधान है, और जो पुराण है उनमें किसी ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश देवता का आदेश है, उनका अपना अनुभव है। तो हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। पुराण जो है ये हेल्प करते हैं केवल परमात्मा की महिमा को समझने के लिए, लेकिन परमात्मा पाने का केवल गीता जी और वेद ही विधान है। और पांचवा वेद जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला, जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी, वो उसमें सारे ही ज्ञान है, इंक्लूडिंग चारों वेद और साथ में गीता और पुराण सभी उसमें इंक्लूड है। एक व्यक्ति था, उसका मित्र था SHO। उसने अपने मित्र से कहा कि मेरा जो पड़ोसी है साथ वाले मकान का, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी तरह बात नहीं आता है, मैं क्या करूं। अब SHO ने कहा कि मार लठ उसका, मैं आप देख लूंगा। पहले ऐसे समय थे। अब उसने अपने मित्र उस दरोगा जी का आदेश पालन करके अपने पड़ोसी से झगड़ा ठान लिया, लठम लठा हो गए, पड़ोसी मर गया। अब वो साथी, साथ वाले मकान का व्यक्ति मर गया तो उसको पकड़ कर ले गया, वही SHO दोस्त का मित्र था, और कोतवाली में दे दिया और उसको सजा होगी, सजाए मौत होगी। अब उसने क्या गलती करी कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और अपने साथी का लठ मार के मृत्यु कर दी, राजा का विधान तोड़ दिया। अब राजा के विधान अनुसार उसको सजाए मौत होगी, वो अधिकारी कुछ नहीं कर सका। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसे जानना है कि जो वेद और गीता ये परमात्मा का विधान संदेश है, इसमें जो लिखा वही फाइनल है। इसके अतिरिक्त ऋषियों की, देवताओं की जो अपने अनुभव की बातें हैं वो हमने पूजा की विधि में स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि वो एक अधिकारी का आदेश हो जाएगा, उसको पालन करने से भगवान का विधान खंड हो जाएगा और हम दोषी अपराधी हो जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि आज तक हमें परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप में नहीं हुई। एक शेख फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। पुण्यात्माओं, हम आज से नहीं जन्म मर रहे, असंख्य जन्म हो गए, और इस चतुर्युगी में हम सतयुग से लेकर आज तक जन्मते मरते रहे, और इस कलयुग से पहले हम अलग ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था, सब वैदिक धर्म को मानने वाले होते थे, वेदानुसार ओम नाम का जाप करते थे, और कोई साधना वो सर्व यज्ञ हवन आदि करते थे, 500 यज्ञ किया करते थे। अब हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे के मिक्स हैं। आज कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो कल मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है, आज कोई मुसलमान धर्म में कट्टर हुआ बैठा कल मृत्यु होगी, उसके बाद वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म ले सकता है, ईसाई के भी ले सकता है, ईसाई भी की मृत्यु के बाद ईसाई भी यहाँ आ सकते हैं हिंदू धर्म में, और सिख धर्म में भी जा सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा,
तब हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। तो पुण्यकर्मी प्राणी शेख फरीद बचपन से ही परमात्मा में उसकी श्रद्धा बनी, पिछले संस्कार प्रबल थे उसके। उसके लिए थोड़ा सा कथा सुनाते हैं कि वो शरारती बहुत था, उलाने बहुत लाता था, गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था, किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुस के उनका कोई बर्तन बुर्तन उठपटंग कर देता था, उलाने आते थे। उसकी माता बहुत तंग होगी, उसने सोचा अब क्या करूं, इसको कैसे शांत करूं। तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूं कि बेटा तू नमाज कर ले। शेख फरीद की माता ने कहा कि बेटा तू नमाज करा कर, छोटा ही बालक था 3-4 वर्ष का। कहने लगा क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। और वो उसका फेवरेट फ्रूट था खजूर, जो है वो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद थे। उसने कहा, माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा कि सचमुच अका प्रतिदिन हाँ प्रतिदिन देगा। वो कहने लगा माँ बता फिर कैसे करते नमाज। नोली डट जा, कोई समय होता है नमाज करने का, मैं बताऊंगी, इतना बैठ जा। वो इतना बैठा रहा। अब माँ ने सोचा मेरा काम करने का समय है, इसने ला दूं नमाज करन, अरे तू काम कर लेगी इतनी ना जरा, पता नहीं क्यों लाने लाओगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा बेटा ऐसे मत्था टेक ले और यूं कहता रहे अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। और तो उसके याद क्यों होती बालक के। जब उसने वो काफ़ी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के, थोड़ा सा खजूर दो पत्तों में, उस कपड़ा बिछा रखा था उसके नीचे रखा ही। और जब सारा काम कर लिया, जब कहने लगी बेटा आंख खोल दे बाजा, वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कहने लगा माँ अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूँ आज के बाद बिल्कुल भी। उसकी माँ ने कहा बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त देता है बेटा, देख कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला, खावर कूद खा लिया, वाह जी वाह। फिर कहता माँ अब फिर बता कब करनी है वो नमाज। एक दिन क्या हुआ कि माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, वो ऐसे ही बिल्कुल दर्द होकर दो दो तीन तीन घंटे उठे को नहीं। एक दिन उसकी माता वो खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया आजा बेटा, वो उठ गया। उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वेजिटीज रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ। अब फिर उसकी माँ के भी याद आ गया कि आज तो मेरे से गलती होगी, यू कभी नहीं कराई विशा नालायक से, आज इसको खजूर मिले नहीं। तो उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था, उसकी माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू, अल्लाह रोज देता है मुझे। कहने लगी कहाँ था ये खजूर, अग वहीं जहाँ पहले रखते थे, आज दिखाऊँ, एक पत्ता तो वहीं छोड़ के आया मैं नीचे वाला। अब जाके देखा सचमुच खजूर जो के तू, उसकी माँ तो हैरान रहेगी कि हे परमात्मा बड़ी सुनी ना, आज के बाद तो कभी नहीं करो नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछला संस्कारी हंस था, परमात्मा नास्था बढ़ानी थी, उसकी माँ का भी फिर लगन बन गई, वह बस नकली सा काम करा करती। उस दिन के बाद उसकी माँ का भी दृढ़ विश्वास हो गया भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वो प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी क्रियाएं थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था, उस प्यारी आत्मा को उसने छोड़ दिया कि ये तो कोई दची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहाँ जाते हैं, संत के पास, के संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था, उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की, उसने अपना जो साधन जाने था वो बता दिया, बेटा कठिन से कठिन तप कर, जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकट आएगा।
अब शेखप्री तो गए भगवान पाने के लिए थे, दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरुजी आदेश दें वही पालन करें। अब शेखप्री गए हुए थे किस लिए? परमात्मा के लिए, और गुरुजी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शिष्य रहते थे, और शेख फरीद के जाने के बाद उनके गुरुदेव की उस बच्चे में वो ज्यादा प्रिय लगने लग गया, क्योंकि वो हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी। उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे, तो अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे लास्ट में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए अब घर छोड़ा परमात्मा पाने के लिए, और वहां जाकर फिर ये राग द्वेष और मान बढ़ाई की भूख ज्यों की त्यों, फिर किस लिए डले ढो रहे हो वहां पर? अगर तुमने आश्रम की जरूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बढ़ाई की भूख है तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरुजी की नजरों से गिराते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष था मुसलमान धर्म में, फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वो क्या करा करता? हुक्का पिया करता खाना खाते समय, और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था, सुबह बखत से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वो सारी सेवा करेगा, इस दिन वो करेगा, इस दिन वो करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का टर्न आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव के नजरों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले अग्नि तैयार कर देता था, उसने अग्नि तैयार कर ली थी। खाना खिलाने गया हुआ था, पीछे से उनके अन्य ईर्ष्यालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पुनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना कोई भी किसी कार्य में, उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखे आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा अग्नि नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था, चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड तय। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी और आंखों में पानी गिर रहा था, धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई कहाँ कौन है? हाँ महाराज क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आँख फूट जाना जब आग मिला है, आँख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अक माई आँख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी, वनों का अगर फिर फू फू करने लगेगी। अब उसने दे के चिमटा आँख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आँख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा उसके तो पाए तले की धरती निकलेगी, क्यों? तो उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आकर उस आँख के एक बांध का कपड़ा सा और स्पीड से फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी।
गुरुजी ने पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी जी? आग मौसम वर्षा का था, गुरुदेव अग्नि जलाई थी, लेकिन आग बुझगी, गांव से दौड़ के लाया हूँ। आका अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी हूँ तो उक्का पीड़ का सोने की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, करक आँख का केला गया। जी आप कह रहे क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? नौका गवार निकल गया। आका अच्छा भाई, अब माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरु जी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जारी वमाई ले करके उसको आँख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख लेगी और कहे महाराज मेरे से गलती होगी, माफ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था मैं, ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आँख फुटवा ले, आँख फुटे तो अग्नि मिलती है, और आपके शेष ने आँख निकाल कर रखती, महाराज मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो, माथा टेक कर रोए बुढ़िया माई। अब उस गुरु जी के समझ में नहीं आ रही या कहना के चाह रही है, वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगी जी ऐसे ऐसे बात थी, शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधरा। कहा जी, अरे क्या हो गया? अका आपके रहते क्या हो गुरुदेव, आपके दास को आपके रहते क्या होना था, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? अग जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख जो की तो पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर रान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अपुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पाड़, कि उसके क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुनकर्म प्राणियों के, पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, वर्तमान की सिद्ध साधना कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्वान होते हैं तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आस पास चर्चा का विषय हो गया, उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने, सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो आश्रम त्याग दिया, सोचा साधना करनी है, गुरुजी ने कहा कठिन तप करो भगवान निकटावगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूँगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के अब बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी, उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूँ, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। यदि 10 ग्राम भी हम सोच कर चल रहे तो एक महीने की भी 10 ग्राम तो होता भी कुछ को ना, 100 ग्राम माने तो भी एक महीने की ही 36 किलो हो जाती है। अपने आत्माओं, अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका, अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की याद को कि उसमें तरफ में रहता था और वो ऐसे लेटा हुआ था। कव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए
शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। उन्हें सोची कौओं ने कि माथे पर बैठ कर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौओ मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ, इनको इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे और जो मांस खाओ बकरे काटे गऊ काटे ये परमात्मा पालेंगे। तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं। उल्टा ही लटक गया धीरे धीरे सर्क के वर्षों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया, अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं। और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया, परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्म जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे हैं इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख प्रीत था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख प्रीत ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और पहले भी ऐसे ग्वाले जो होते थे भेड़ बकरियां चराने वाले जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठ कर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जा, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे। पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिला लूका छोड़ जाते थे, आज यू ऐसा निकम्मा मिल गया कि इसने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते यूं उल्टा लटका लटका कहता है, अरे भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, ए भाई मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूँ अल्लाहु अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पर त्योड़ी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करें, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़े देता है। परमात्मा कहने लगा भले आदमी फिर तू डड़े डो, इसमें तू क्या कर रहा है, एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले डो रहा है इसमें, क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का, जब वो निराकार है क्या देखेगा, उसका दीदार क्या करेगा। अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई उस शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा।
परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर रहे, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ, तुम अल्लाह के दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार सब दाना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूँ, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बेटा बच्चा इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता ही कति खत्म कर लिया, बहुत कॉस्टली है, इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखा रहने से भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं, इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर तुम आइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा के भक्ति करोगे। प्रथम अंजल संयम रख है, योग युगत सब सतगुरु भाक है, खाने पीने पर संयम बरते है, हिसाब का खावे, इतना खावा जो गणा नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ति स्फूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर, फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा हैं, अल्लाह अकबर हैं, अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अपने आत्माओं कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा, पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेद वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें और चाहे जिस भाषा को कोई समझता उसमें बोल कर बता दें, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले, इनको यथार्थ ज्ञान समझा, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वाम देव है, वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं, तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। वो कहा करते कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोहों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला, वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान नहीं माना। कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपत सुदर्शन के गुरुजी बने थे, और त्रेता युग में आए थे जब मंदोदरी और नल नील
और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था, और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं भी बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उसने भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजर अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है, लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुल्हा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को ये संस्कृत भाषा के जानने वाले। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई, जब हम शिक्षित हो गए, समझने योग्य हो गए। अब देखिएगा, अब ये है कबीर सागर, अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको, ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, यहाँ से ये प्रकाशित है, और इसका यहाँ लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में, ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है, यहाँ देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए राम नियारा, ये नाम गलत लिखा मिसप्रिंट है, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूँ, जन्म पोथी जन्म पत्री इनकी जन्म तिथि, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का वेद न जाना, आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने, सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं गॉड गॉड, आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता, ये राम है नाम नहीं, सब गलत स्पिंड है, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूँ, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंत दरखाए, पेट से देवी करी पुकारी हे साहेब में मोह करो उबारी, टेर सुनी सतगुर ते आए अष्टंगी के बंद छुड़वाए, धर्मराय को हिकमत कीना नख रेखा से भग कर लीना, धर्मराय करे भोग विलासा माया को रही तब आशा, ये धर्मराय काल को भी कहते हैं, ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो,
ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलावे इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे काल निरंजन जग भरमावे, तीन लोक अपने सुत दीन्या सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शिव शरण दास। शिव शरण जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला हरदोई गांव भजनपुरवा उत्तर प्रदेश के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले माता जी का माता दुर्गा का व्रत करता था, हनुमान जी का भी व्रत करता था और ये सब भक्ति करते करते फिर मैं राधा स्वामी में नाम दीक्षा लिया, राधा स्वामी में भक्ति किया। सर आप राधा स्वामी पंथ से कितने साल तक जुड़े रहे? राधा स्वामी पंथ से 11 साल तक हम जुड़े रहे। सर आप हनुमान जी और माता दुर्गा जी की भक्ति करते थे, इसके अलावा आप राधा स्वामी पंथ से 11 साल तक जुड़े हुए थे, तो ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो सर कुछ नहीं प्राप्त हुआ, उल्टा हानि ही पड़ती रही। मिर्गी का दौड़ा हमको पड़ने लग गया और मिर्गी का दौड़ा इतना पड़ता था कि दिन में हमें दो दो बार पड़ जाता था। तो उसके बाद में हमने राधा स्वामी में राजेंद्र सिंह जो है सावन कृपाल रूहानी मिशन, वहाँ हमें सेवादार का वो मिला था, वर्दी भी मिली थी, बेल्ट भी मिली थी, बिल्ला भी मिला था, सारा कुछ मिला था। और उसके बावजूद हमने जब हमें ये मिर्गी का दौरा पड़ा तो हमने उनको अप्लीकेशन दी कि अर्जी दी, तो वो हमारी अर्जी को कोई सुनवाई नहीं हुई सर वहाँ पे। तो फिर हम सर वहाँ पे जाना बंद कर दिया। फिर सर माता दुर्गा जी और राधा स्वामी पंथ की भक्ति करते करते आपको मिर्गी की बीमारी हो गई। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपने राधा स्वामी पंथ में कई बार प्रार्थना लगाई लेकिन आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे हुई? सर हमारे पड़ोस में ही एक संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी शिष्य रहता था, उनसे हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला कि आपका जो मिर्गी का दौरा है ये यहाँ कहीं भी ठीक नहीं हो सकेगा, आप सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में आए हुए हैं और उनकी शरण में चलो, नाम उपदेश लो उनसे, नाम उपदेश लोगे उनसे लेते के साथ ही आपका ये मिर्गी का दौरा ये जो भी समस्याएं हैं सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी। सर हम उनके साथ वहाँ जब गए हम तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में वहाँ नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जिसे दीक्षा लेने के बाद में मेरे जो मिर्गी की बीमारी थी वो जगह जगह हम घूमे, राधा स्वामी में गए, तांत्रिकों के पास गए, सब जगह गए, लेकिन हमें वहाँ अर्जी भी लगाई राधा स्वामी में, वहाँ अर्जी भी नहीं हमारी सुनी गई, कुछ भी नहीं सुनी गई। ये सब जगह घूमने के बाद धक्के खाने के बाद तब हम सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। यहाँ आने के बाद हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेके आशीर्वाद दिया सदगुरु महाराज ने। आशीर्वाद देने के बाद हमने कहा मालिक हमारी मिर्गी की बीमारी है बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा है और आर्थिक स्थिति से भी हम परेशान हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जैसे ही सर के ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा वैसे ही हमारे बीमारी उसी समय सब खत्म हो गई। सर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर हमारी रोजी रोजगार के लिए हम सर आगरा में भी गए, आगरा में काम किया, लखनऊ में भी काम किया, ग्वालियर में भी काम किया और सर ये कानपुर में भी काम किया। कई जगह काम करने के बाद सर हम दिल्ली में आए तो दिल्ली में भी काम किया। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जब नाम उपदेश लिया तो यहाँ जाके मालिक के शरणों में शरण में आने के बाद
सारे के सारे वो सब समस्या खत्म हो गई जो हमें अन्य जगह भटकते फिर रहे थे, जहाँ रोजी रोटी के लिए जहाँ कहीं नहीं मिला, वो यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सारा कुछ अब एकदम ठीक है, सब कुछ सही हो गया एकदम। सर एक और लाभ हुआ, हमारी पत्नी जो थी उनका एक्सीडेंट हुआ था सर, एक्सीडेंट में पीछे से जो DTC बस है उसने टक्कर मारी, वो वैन में बैठी थी और उस टक्कर के लगते ही वैन जो है पीछे का हिस्सा जो है करीब 4-5 फुट ऊंचे उठ गया, 4 फुट ऊंचे उठ गया और ऊंचे उठ के फिर एकदम नीचे गिरा, तो वो पीछे बैठी थी और पड़ोस में बैठे थे जो बगल में सर, उनके तो चोट लगी, उनके किसी के खून आ गया, कुछ किसी के कांच टूट के लग गया, लेकिन हमारी पत्नी के जो है बिल्कुल कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, उनके कमर में मामूली सी बिल्कुल ना के समान चोट आई, वो भी दवाई गोली वहीं दुकान से ले ली, 1 टिक्की 2 टिक्की खाई और एकदम वो ठीक हो गई। आज वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अगर नहीं होती तो शायद वो बचती भी नहीं, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी उस भयंकर घटना से जो वो बच गई हैं, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही सब चमत्कार है। और लाभ सर बहुत लाभ हुए हैं, और कितने लाभ गिनाऊं, बेटी को कहीं जुखाम कहीं बुखार कहीं कुछ छोड़ते नहीं था, आए दिन परेशान रहते थे और उस समस्या से जो है दवाई डॉक्टरों को वहीं दिखाया करते थे कॉलोनी में, उनसे बहुत परेशान, रोज पैसे जा रहे हैं, तीसरे दिन चौथे दिन 100 रुपया जा रहा है, 150 रुपया जा रहा है सर, वो ठीक नहीं होती थी। जिस दिन से सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया उस दिन से बेटी भी ठीक है, घर में बच्चा एक लड़का है, 2 बेटी हैं, सभी ठीक हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? सर उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज वो जो अपना इधर उधर जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, जो इधर कोई देवी में लगा है, कोई दुर्गा में लगा है, कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई भैरव की कर रहा है, कोई भूत पूजा कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो पूजाएं ये हमें मुक्ति नहीं दे सकती, मुक्ति हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही मिलेगी, सच्ची साधना करने से ही मिलेगी। तो ये मैं उनसे सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी भाई बहनों से सभी से कर रहा हूँ कि वो ये सब साधनाएं छोड़ के और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी एक है, उसमें जो है मोबाइल नंबर है, वो उसमें मोबाइल नंबर लिख के आप कॉन्टेक्ट करें और पास के जो वो हैं हमारे सेंटर, वो सेंटर से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल